बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और फरहान के अफेयर की खबरें बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुर्खियों में रही हैं। इतना ही नहीं, इन खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये दोनों स्टार्स एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे हैं। पत्नी अधूना अख्तर से तलाक लेने के बाद फरहान अख्तर काफी समय तक शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर को डेट कर रहे थे, लेकिन बाद में फरहान ने अचानक इंस्टाग्राम पर श्रद्धा कपूर को अनफॉलो कर दिया था। खबरों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि फरहान अब श्रद्धा कपूर से ब्रेकअप कर चुके हैं और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि फरहान फिलहाल में एक अभिनेत्री को डेट कर रहे हैं। दरअसल खबरों के अनुसार जिस अभिनेत्री के बारे में बताया जा रहा है, उस अभिनेत्री का नाम शिबानी दांडेकर है। उनकी आयु 37 साल की है और ये सिंगर और मॉडल भी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फरहान के जीवन में शिबानी दांडेकर की एंट्री हो चुकी है और ये एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। शिबानी दांडेकर सलमान की फिल्म सुल्तान में भी काम कर चुकी हैं। फरहान और शिबानी दांडेकर पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और इनकी मुलाकात 2015 में हुई थी। शिबानी ने शो आई कैन डू दैट में हिस्सा लिया था, जिसे फरहान अख्तर होस्ट कर रहे थे। जब इस बारे में शिबानी दांडेकर से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने काफी देर तक चुप्पी साधे रखी। उनको इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। जब फरहान से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। शिबानी दांडेकर मशहूर एमटीवी वीजे अभिनेत्री और सिंगर अनुषा दांडेकर की बहन है। अनुषा ने भी कई फिल्मों में काम किया है। अगर हम शिबानी दांडेकर के करियर की बात करें, तो उन्होंने 2014 में आई मराठी फिल्म टाइम पास में आइटम नंबर से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद 2015 में वो रॉ और शानदार जैसी फिल्मों में दिखाई दी थी। उन्होंने नाम शबाना, नूर और भावेश जोशी जैसी फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदार प्ले किए हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।